होए गई बिन संगत बिन संगत यो माने हो गई पाठीछा हो गई पाठीछा पर गई भूम बेकार पर गई पूम बेकार हो गई पाठीछार हो गई पाठीछार पर गई बेकार पर गई पूम बेकार निर्मल बूंद आकाश की निर्मल बूंद आकाश की कबीर कबीर निर्मल बूंद आकाश की निर्मल बूंद आकाश की पर गई पूम बेकार जिन्ने कोई कीमती चीज होवे ओ नहीं उनकी संभाल दा फिकर होंदा है ते जे संभाल ना सके ते ओ कीमती चीज गुआच जाए उन्ना ही वड्डा दुख होंदा है उदासी होंदी है। हुण बाबा कबीर जी दा अज दा श्लोक बड़ा ही संकेतिक समझ लैण वाला है क्योंकि इस सारे श्लोक विच जेड़े लफज वरते ने वो संकेतक वरते ने सीधे ने असी उन पछाणना है। लफज ने निर्मल बूंद आकाश दे आकाश तो डिगे उच्ची थां तो आई निर्मल पवित्र बूंद धरती ते आ गई ते किस धरती ते जेड़ी बेकार धरती क्योंकि सारी धरती तो बेकार है नहीं इस धरती ते बड़े खूबसूरत बाग बगीचे भी ने इस धरती दी सुंदरता फुलवाड़ियां विच फुल्लां दी खुशबुआं विच है फलां दे रसां विच है
सब कुछ इस धरती की देन है, इनू सारी धरती नू तो बेकार आख्या नहीं जा सकता। ते हुण असी संकेत समझना इस बाणी विच्चों। लफज ने बाबा कबीर जी दे, कबीर निर्मल बूंद आकाश के, एक बड़ी पवित्र बूंद धरती ते आई। क्यों? क्योंकि आकाश तो आई ते निर्मलता विच्चों आई, पर बदकिस्मती बेकार धरती ते डिग पई। बेकार धरती ते ओ बेकार धरती केड़ी है? अगली लाइन दा पहला लफ्ज, ओ बेकार धरती है बिन संगत। बिन संगत ते संगत लफ्ज जेड़ा है ओ मिलाप तो बनता है, जिथे मिल बैठन। संगत संग लफज तो, संग करन तो, मिलन तो लफज दा जन्म होया है। संगत हुण लफज देखो ना, कुसंगत नाल भी संगत लफज मिलता है, उंदे नाल भी जुड़ता है। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि सारी संगत चंगी ही हुंदी है, पर संगत दा अर्थ मिल बैठना है, भावे माड़े लोगों नाल भावे चंगे लोगों नाल। चंगे लोगों नाल मिल बैठे सतसंगत है, माड़े लोगों नाल मिल बैठे कुसंगत है। संगत लफज तो मिल बैठता है, इत्थे हुण ना कुसंगत लफज वरत्या है ना सतसंगत लफज वरत्या, सिर्फ संगत लफज वरत्या, क्योंकि मैंने सुभाया सी बाणी विच्चों संकेत लभणे ने। लफज ने बिन संगत, जिथे मिलन शक्ति नहीं, किंदे नाल मिलन, ए अगली वक्री गल। जिथे मिलन शक्ति नहीं ओ भूमि बेकार है, जिथे मिलन शक्ति नहीं ओ बेकार धरती है। ते मिलन शक्ति जड़ी नहीं जिस धरती विच, उन्नू कलर दी धरती आखदे ने। कलर नू तुसी ढेर नू इकट्ठा कर लो, उन्दे किनके आपस विच मिल के बैठन दे आदि नहीं हुंदे, पानी पाओ बिखर जांदे। उन्दी मिट्टी नू गो के बना के तुसी बर्तन नहीं बना सकते, कलर दी मिट्टी नू बर्तन नहीं बना, इट्टां नहीं पत्थियां जा सकदियां। बल्कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी आसा दी वार दी बाणी दा विचार करदिया होया दास ने एक गल कही सी, जदों तुक आई सी मिट्टी मुसलमान की, पेड़े पई कुमार। मुसलमान दी मिट्टी दा की मसला सी? क्योंकि मुसलमान शरीर नू कबरां विच तो बांधा है, ते जिसम विच शरीर विच फैट हुंदी है, मेज हुंदी है, वो मिट्टी विच मिक्स हुंदी है, उन्दे नाल मिट्टी चीकनी हो जांदी है। ते कब्रस्तान दी मिट्टी चीकनी हुंदी है, चीकनी मिट्टी दे मतलब है जिहड़ी मिल बैठे। ते कुम्हार नूं वो मिट्टी चाहीदी है जिहड़ी मिल बैठे, इसलिए वह कब्रस्तान की मिट्टी नूं ज़्यादा प्रेफरेंस दिंदा है। कहिंदा जे वह टिकाणा मिल जाए ना, उत्थों मिट्टी लईए तां बर्तन इट्टां बनाणियां आसान रह गईआं। गुरु ने इसलिए एक एग्जाम्पल वजों संकेत किया, तो कहन लगे मिट्टी मुसलमान की, पेड़े पई कुम्हार। कुम्हार दे पेड़े विच जिहड़ी मिट्टी आई है ना, वो मुसलमान दी। क्यों? क्योंकि चीकनी मिट्टी, वो मुसलमान दा मसला नहीं, कल तो चीकनी मिट्टी दा।
ਤੇ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣ ਮਿਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਥੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਤਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪੱਥਿਆ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ। ਬਾਬਾ ਕਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਭਰ ਗਈ ਭੂਮ ਵਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੋ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਸੂਚਾ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਸੂਚਾ, ਸੂਚੋ ਸੂਚਾ ਸੂਚੋ ਸੂਚਾ, ਅੰਤ ਨ ਅੰਤਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ, ਅੰਤ ਨ ਅੰਤਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਊਚੋ ਊਚਾ, ਅਤ ਊਚਾ ਤਾ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ। ਅਸਮਾਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਉੱਚੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੋਹਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੋਹਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੇ ਪਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਚੇ ਪਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅਥਾਹ, ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਅਪਾਰ ਅਤ ਉੱਚਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬਾਤੇ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਚਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਬੂੰਦ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ। ਉਸ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ, ਇੱਕ ਅੰਸ਼, ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਆਈ ਹੈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ, ਕਿਰਨ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਰਨ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਕੋਲ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਿਰਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਰਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਿਰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ,
किरण मिलती है। जिन्हें जीव ने वो उनकी भेजी हुई एक किरण ने, पर होया कि निर्मल आकाश विच्चों निर्मल प्रभु दी अंश बन के मन तू जोत स्वरूप है हो के मन इस धरती ते आया, पवित्रता विच्चों जन्म लिया, ऊंचाई विच्चों जन्म लिया, ते डिग किथे पिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंदर सारी बाणी मन नूं समझाण लई तां है, मन समझावन कारण है। कछु के पढ़िए मन नूं एक ख्याल करियो, समझाया उसे नूं जांदा जिहड़ा भुल रहा होवे, जिंदे भुलण दी आस ही ना होवे, जिंदे भुलण दा कोई मतलब ना होवे। कल भी आपस विच बैठे कुछ मित्रां नाल विचार कर रहा सा, ते विचार चली कि मेरे रब दे संबंध विच गुरु ने बाणी एक गल आख दी, कहन लगे लिख जो मेटे ताहे न माना। मैं उन्हूं रब नहीं समझदा जिहड़ा लिखे ते मुड़ के मेटे, क्योंकि मेटी वह चीज़ जाती जिहड़ी गलत होवे जां जिंदा कोई एंड हो गया होवे। लिखे आ मेटे ताहे न माना, रब भुलदा नहीं ते रब पुराना नहीं हुंदा, इसलिए ना वह लिख के मेटदा भी नहीं। इसलिए गुरु ने बाणी च कह दिता लेख ना मिटई हे सखी जो लिखिया करतार। ते कहले कि लफ़्ज़ सन, क्योंकि मनुख जदों भी कुछ लिखता है उदों किसी वक्त गलती कर जाता है, उन्हें मेटनी पैंदी है। इसलिए अज ने कंप्यूटर भी बनाया ना, उन्हें विच एक अंश पा दिता डिलीट, जे पहला कंप्यूटर विच डिलीट लफ़्ज़ ना हुंदा। किस लेखे सी किस काम सी, क्योंकि मनुख गलती करनी, अपनी गलती दा जदों उन्हें सुधार करना, जदों उन्हें पिछली गलती दा एहसास करना, उन्हें डिलीट करना है। इसलिए उन्हें डिलीट पाया है काम सफल, कंप्यूटर सफल तो ही है उन्दे च डिलीट हो गए, क्योंकि मनुख की वरतों में आना है। रब नू डिलीट की लोड़ नहीं, इसलिए क्योंकि वह गलती नहीं करता, समझावन भी उसनू लोड़ होंगी जिहड़ा गलती करता होवे। हुण मसले श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच्चों बड़े अंतरी भी समझण वाले ने। कहन लगे इसलिए मन नू समझाण लई श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी है, रब नू समझाण लई नहीं। मन नहीं गलती करनी है। ते कहन लगे मन की सब तो वड्डी गलती है सी कि राम दी अंश उन्हूं मैं याद भी कराया, मन तू जोत स्वरूप है, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण याद रख, जोत स्वरूप है। पर बदकिस्मती ये समझिया ही नहीं, फिर पर गई भूम विकार, बेकार भूमि में आके डिग पई। जोत सी, जोत दी बूंद सी, जोत दी अंश सी, कबीर निर्मल बूंद आकाश की, ते डिग भी किथे, पर गई भूम बेकार कलर दी धरती विच, जिथे मेल कोई नहीं, जिथे मिल बैठन दी आस कोई नहीं, ते ओ कलर दी धरती केड़ी है। गुरु ने बाणी विच आख्या, कहन लगे माए बाप पूत हित भ्राता, माया किसनू आखिए, माया किसनू आखिए, क्या माया कर्म कमाए। उनकी निशानी की परिभाषा की, ते फिर आप ही परिभाषा दस दें।
माए बाप पूत हित भ्राता उन घर घर मेले दुआ ला निशानी क्या माया कर्म कमाए वो मिल नहीं बैठन दिंदे मां बाप विच पुत्र धीआं विच हर थां ते घर घर मेले दुआ दुआ कहिंदे ने दुई नूं दुबदा नूं दूरी नूं कहन लगे मां बाप पुत्र हित भ्राता किसे विच भी वो मिल बैठन दी शक्ति नहीं रहन दिंदे हर इक दा दूजे प्रति शक दूजे प्रति शक किसे ही वाद घट किसे ही पै किसे कोल ज्यादा किसे कोल घट सगले लड़ लड़ मुआ आपस विच लड़ लड़ के मर रहे ने मिलन दी शक्ति किथे जिथे माया दा लफज है उत्थे मिलन दी शक्ति नहीं वो कलर दी धरती है लो परिभाषा करते ने क्या माया कर पुआ है कलर दी धरती है पर होया कि बदकिस्मती नाल ए आकाश दी बूंद जेड़ा मन तू जोत स्वरूप है उस मन दा संबंध जुड़ गया माया नाल मन माया में रब रहे पर गई भूम बेकार निर्मल बूंद आकाश दी सी ते पर गई भूम बेकार उस कलर दी बेकार धरती विच उहदा संबंध हो गया मन माया में रम रहे हो निकसत माना हनमीत हुण उस माया दे प्रभाव विच ओ धर्म कर्म दे बर्तन भी नहीं बना सकदा जो कर्म करदा उहदे विच माया नाल खलोती है बल्कि गुरबाणी अंदर एक थान से शब्द तक आता है भी जे धर्म स्थान से चला उत्थे भी नाल चली जाती है उत्थे भी पहुंच जाती है ते मिलन दिंदी नहीं इवन रब नूं भी नहीं मिल जिथों आया है उत्थे भी नहीं मिलन दिंदी सतगुरु ने बाणी विच आख्या हे माया जित हर विसरै सब तो पहले उन्दे नालों दूरी कर दिंदी है मिलन नहीं दिंदी क्योंकि इनका सुभाव है मिलन ना देना हर एक नूं तोड़ के रखना एक दूजे ते शक्की बनवाना माया दी प्रवृत्ति इहो है होर कोई नहीं दौलत जां पैसे दा ना माया नहीं एक ऐसी दुबदा दिमाग विच खड़ी कर देनी हर एक प्रति शक किसे नाल मिलन मिल बैठन दी शक्ति नहीं देनी कलर दी धरती वांगू ते कहन लगे मनसी उस मालिक दी अंश कबीर निर्मल बूंद आकाश की ए आकाश दी उच्ची निर्मल बूंद प्रभु विचों आया हुई एक राम दी अंश सी पर बदकिस्मती मन माया में रम रहे हो पर गी भूम बेकार हुण कुछ भी नहीं बन रहा ना धर्मी बन रहा ना सियासी बन रहा ना चंगा पुत्र साबित हो रहा ना चंगा भरा साबित हो रहा ना चंगा पति साबित हो रहा ना चंगी पत्नी साबित हर पासे दुफेड़ ही दुफेड़ शक ही शक दूरी ही दूरी पैदा हो गई है पर गई भूम बेकार कलर दी धरती नाल संबंध हो गया ते कहन लगे वो कलर दी धरती की है बिन संगत अगली लाइन बिन संगत मिल बैठन दी जिहड़ी बिरती सतसंगत विचों मिल बैठन दी बिरती मिलनी सी मिल बैठन दा जिहड़ा प्यार मिलना सी इसलिए रब नूं प्रभु नूं प्रेम दी हस्ती आख्या है क्योंकि मिल बैठना है ते मन की जेड़ा प्रभु वल्लों आया सी ओ माया दी धरती ते डिग के उन्दे विच मिलन दी शक्ति खत्म हो गई हुण संगत विच भी जाके जिन्हों सतसंगत आखदे ने उत्थे भी मिल बैठन दी शक्ति उन्दे कोल कोई नहीं उत्थे जाके भी लड़ाइयाँ करता है झगड़े करता है इख्तलाफ करता है आप देख रहे हैं अजकल जिथे मिल बैठना सी सत संगत विच
ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਨ ਤਾਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹਦਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਉ ਮੰਤਨ ਖੋਜੀ ਪਾਲ ਭਲਾਈ, ਕਿਉਂ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਸਤਸੰਗਤ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਕੱਲਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਲ ਸਤਸੰਗਤ ਖੋਜ ਦਸਾਈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ। ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਗਾਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਕਾਰਥ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਤਨੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਡ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਡ ਜਾਏ, ਈਵਨ ਜੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਉੱਡ ਜਾਏ। ਤੁਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਖੇਵੇਂ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੈ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਕੱਲਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਖੋ ਦਿੱਤੀ, ਭਰੋਸਾ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਇਉਂ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬੇਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੱਲਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੱਲਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਫੁਲਵਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਭਾਂਡੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਕੱਲਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੱਕ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਭਰੋਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ ਕੱਲਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਮਾਨੋ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਰੱਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਬੀਰ
निर्मल बूंद आकाश की। कभी निर्मल बूंद आकाश की पर गई घूम बेकार, पर गई घूम बेकार। बिन संगत बिन संगत यो मान बिन संगत यो मान हो गई पाठछार, हो गई पाठछार पर गई घूम बेकार, पर गई भूम बेकार, पर गई भूम बेकार। निर्मल बूंद आकाश की कबीर, निर्मल बूंद आकाश की कबीर, निर्मल बूंद आकाश की। संकेतिक ढंग नाल बाबा कबीर जी ने साडे सामने मनुखी जीवन दी असलीयत रखी है, ते जरूरी गल्लां समझाईयां ने। कलर दी धरती नहीं बनना, शक्कां दी दुबदा दी दूरी दी ओ आदत सुभा छड के संगत दा रूप धारण करना है। मैं ते एक गल स्पष्ट करना चाहना कि जिन्नी देर शंके ने उन्नी देर कदी भी संगत नहीं बनते। आज देव जीवन वाल चात मार के देख लो, भरोसा किसे ते नहीं, ना राजनीतिक जीवन वालियां दा आपस विच भरोसा है, ना धार्मिक जीवन वालियां दा आपस विच भरोसा है। हर पासे टकराव है, हर पासे दूरी है, जिहड़ी निर्मल बूंद नू मन नू बर्बाद कर रही है। गुरु समझा रहे ने, मन तू जोत स्वरूप है, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, तू कित्थों आया है, तेरा संबंध किस नाल है, अंश किस दी है, जो निर्मल है ते जिहड़ा उच्चा है, ओह जे जीवन दा रूप बना ताकि तू निर्मल ते उच्चा रह सके। इन्हों शब्दों नलखिमा दा जा चिखा, फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।